नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो एक्सट्री 125R बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें देखिए कितनी कॉस्टिंग आनी है, कौन सा ऑयल इंजन ऑयल यूज़ होना है, कितना लगेगा, और ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ये सारी चीज़ें कोई रिप्लेस होनी नहीं होनी है, तो ये सारी बात करेंगे। और ये गाड़ी लगभग चल चुकी है 637 किलोमीटर, तो भैया ने इसको मैकेनिक भैया ने इसको प्रॉपर चेक किया, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम थी चला के देखा, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर एक वॉशिंग हुई और वॉशिंग के टाइम पर ही चेन इसकी क्लीन हुई है। वॉशिंग के बाद भैया ने इसको एयर से गाड़ी को प्रॉपर इसको क्लीन किया। गाड़ी को लिफ्ट में लगाने के बाद सबसे पहले ऑयल का ड्रेन किया गया। और इसके साथ ही भैया ने यहाँ पे इसकी चेन को भी लूप किया, चेन लूप किया। फिर भी यहाँ ने यहाँ पे जो मैनेजर सर है उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉपर चेक किया और सारी चीज़ें देखी, क्या क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर इसका इंस्पेक्शन किया। और फिर उसके बाद चैन टाइट की, पूरे नट बोल्ट जो भी लूज़ थे या फिर कहीं लग रहा था कि इसको टाइट करने की ज़रूरत है, तो प्रॉपर पूरे गाड़ी के अच्छे से एक एक नट बोल्ट चेक करके उसको टाइट किया गया। ये कवर थोड़ा इसको भी टाइट करवाया हमने। और इसमें ऑयल लगेगा 1 लीटर जासो MA2 10W30 SL ग्रेड का। ठीक है, तो आपको ये डलाना है, लगभग 395 का पड़ेगा आपको। और BNS का ऑयल फिल्टर अभी चेंज नहीं किया है ऑलमोस्ट, ये मतलब इसको क्लीन करके ही वापस डाल दिया, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल फिल्टर चेंज करा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सेकेंड सर्विसिंग में भी इसका ऑयल फिल्टर चेंज करा सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप फर्स्ट में भी करा सकते हैं। ये लगभग 60 रुपीज़ के आसपास आएगा, जो कि ग्लैमर या फिर पैसन वगैरह जो लगता है सेम इसमें भी लगेगा भाई। तो इसका जो ऑयल फिल्टर है ऑलमोस्ट मतलब ठीक ही था, साफ था, तो भैया ने कहा कि इसको अभी नहीं करते चेंज, मगर आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। आप एक बार जैसे सर्विसिंग के लिए जाएंगे तो अपना प्लग वगैरह सारी चीज़ें मतलब इंस्ट्रक्शन में होती है कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार होता है हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं जल्दबाजी में, तो आपको प्लग वगैरह भी क्लीन कराना है, क्योंकि प्लग ठीक ही होता है, बट आप जैसे शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पे इसका प्लग जो है, जैसे अगर इसमें ये ब्लैक पड़ गया है, थोड़ा सा ब्लैक हो गया, तो उसको आप मशीन के थ्रू वहाँ पे जो शोरूम में अवेलेबल होती है तो उससे क्लीनिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ यहाँ पर मशीन से प्रेशर के थ्रू क्लीन हो जाता है। बताना, ये देखिए पूरा परफेक्ट यहाँ पे क्लीन हो गया, नहीं हो गया भी एन एस को फिट किया यहाँ पे, और इंजन ऑयल भी डल गया, तो इंजन ऑयल डल गया, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। एयर फिल्टर अभी इसमें रिप्लेस नहीं किया गया एयर फिल्टर, क्योंकि जनरली इंस्ट्रक्शन होते हैं कंपनी की तरफ से कि एयर फिल्टर को क्लीन नहीं किया जाता, तो बी एन एस में जो सर्विसिंग का जो इंडिकेशन आता है, जो पानी का निशान आता है, उसको हटा दिया है। उसको हटाने के लिए आप लेफ़्ट वाला जो है एस मोड वाला बटन, उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो चला जाएगा। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे नाइट्रोजन फिल गई, तो पिछले टायर में आप 25 डाला सकते हैं, 25 PSI, और फ्रंट टायर में आप डाला सकते हैं 25 PSI। आप अपनी नीड के हिसाब से अगर डबल बैटरी है तो थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा भी इसमें डलवा सकते हैं, लगभग 28 भी डला सकते हैं सामने के टायर में, और 32 तक भी डला सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ गाड़ी हो गई कंप्लीट, भैया ने उसकी टेस्ट राइड ली, और मतलब इसमें ऐसा कोई खास इशू नहीं था, हल्का सा एक कुछ फाइबर से रिलेटेड कुछ
था काम, बाकी ऐसा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने भी कस्टमर से बात करी जो भैया है जिनकी गाड़ी है नितेश भैया, तो परफेक्ट थी यहाँ पे। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो 516 रुपये समथिंग आई है।